अब डैडी जी रजनी की आरती ले जाने का टाइम हो गया है। रजनी की आत्मा को मोक्ष मिलना जरूरी है ना? डैडी जी रजनी की आरती ले जाने का टाइम हो गया है। प्लीज अमरीश रोना मत। रजनी की आत्मा को मोक्ष मिलना जरूरी है ना? बात को समझ सुनी ली। हम चांद के आने से पहले कुछ नहीं कर सकते। अग्नि तो उसने ही देनी है ना, सारे क्रियाकर्म उसने ही करने। और इन्नी केड़ी जल्दी पई है कि मेरा बच्चा अपनी बीवी का आखिरी बार दर्शन भी ना कर सके। उसकी बीवी है यार, वो उसका प्यार है। कोई नहीं, जब तक शान नहीं आ जाता ना तब तक इसकी अर्थी यहां से नहीं उठेगी। बस वाह, जमान तो बहुत सरस है। मैं भी जरा खा लेता हूं। कम जॉइन मी। देवनो, देख खाने पर मत झपटना। एक बार ये दोनों इडियट से फ्री हो जाए मैं बाहर जाके तुझे जो खाना है खिलाऊंगा। ओके, जस्ट कंट्रोल। 16 घंटे से कुछ नहीं खाया है शान, भूख लगी है। काम डाउन। अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है शान, मेरे मुंह में पानी आ चुका है। आई एम सॉरी। खाना कैसे खा रहा है? रात के 3:30 बज गए हैं। ना शान घर आया है और ना ही फोन उठा रहा है। मैंने तो अब शान की चिंता होने लग गई है भाई। एक काम करते हैं, हम पुलिस में ना कंप्लेन कर देते हैं। नो 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 नो, पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत है? हमें शान की आदत पता है ना, फोन साइलेंट पे रखता है या वहां भूल जाता है, पुलिस उसमें क्या करेगी? अमरीश, पुलिस को नहीं बुलाते प्लीज। या आई गेस मॉम इज राइट। यस आई एम राइट। अब हमें रजनी को फ्यूनरल के लिए लेके जाना चाहिए। ना पुत्र, ये नहीं हो सकता। मैंने कहा ना, जब तक शान नहीं आ जाता है इसकी अर्थी यहाँ से नहीं उठेगी। मतलब नहीं उठेगी, बस बेफालतू की जिद ना कर। रजनी को देख के हमें इतनी तकलीफ हो रही है, तो शान को कितनी तकलीफ होगी। रजनी से कितना प्यार करता था शान, इतनी फूल जैसी बच्ची है, भगवान तुमने उसे क्यों उठा लिया? यह हमारे ही साथ क्यों? मॉम, मम्मी जी, क्या हो गया आपको? सुनीली माँ, आपकी आवाज को क्या हुआ? लगता है सदमे से मम्मी जी की आवाज चली गई है। डॉक्टर साहब देखो तो सही, सुनीली को क्या हुआ है? कुछ बोल सुनीली, तू
मुंह खोलिए। क्या हो रहा है? अमरीश जी, सुरीली जी को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे इनकी हालत बिगड़ जाएगी। देखिए, रजनी को मरे हुए कई घंटे हो गए हैं। रजनी की बॉडी डीकम्पोज होने से पहले हमें शमशान ले जाना चाहिए अंतिम विधि के लिए। शांत। लगता है मेरे बच्चे के नसीब में ही नहीं है कि वो अपने अपनी बीवी का अंतिम दर्शन कर सके। स्पेशल फीचर सर, चकमा खा गए है ना? यही तो था मेरा सीक्रेट फीचर। ये रोबोट हम ह्यूमंस की तरह खाना खा सकता है सर। इसके गले में यहाँ पे एक पाइप है, जो यहाँ एक सिस्टम बनाया मैंने, एक पाउच पेट जैसा, उसमें सारा खाना पानी चला जाता है, फिर हम पाउच बाद में निकाल के उसको फ्लश आउट कर सकते हैं, सब कुछ फेंक सकते हैं। वेरी सिंपल सर। ये डकार की एप्लीकेशन भी डाली है सर मैंने। उससे क्या होता है कि ये हम ह्यूमंस की तरह डकार मारता है और बास भी मारता है। तो जब सब ह्यूमंस के बीच में होता है तो किसी को पता नहीं चलेगा ना कि ये एक रोबोट है। इंप्रेसिव। तो मिस्टर पटेल, कैसे लगा आपको हमारा ह्यूमनॉइड? वाओ, इसको देख के तो लगता है कि हम जल्दी अरबों खरबों कमाने वाले। शान, वाकई में तुम एक जीनियस हो। You've done an outstanding job. Thank you. Congratulations. Excellent job. Thank you, sir. अभी मैं घर चलता हूँ, मम्मी वेट कर रही है। All right, of course. घर जा सकते हो। Dave, come. Let's go. Okay, Shan. नहीं, लेकिन Dave कहीं नहीं जाए। तुम जा सकते हो। अभी रोबोट मेरा है, मेरे कमांड्स फॉलो करेगा। अब तुम्हारी जरूरत हमें नहीं है। नो सर, देव अभी परफेक्टली फंक्शनल नहीं है। वो उसके सिस्टम में प्रॉब्लम्स है, मैलफंक्शंस है, तो वो सब मैं फिक्स कर दूंगा ना। आई विल मेक हिम परफेक्ट। नो 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 शान, देव को तुम अब भूल जाओ। ये रोबोट अब पूरा टाइम मेरे साथ रहेगा। जागे क्यों है हो? और सिंड्रेला चाची यहाँ पे क्यों सो रही है? बेटा, आपकी आपकी सिंड्रेला चाची ना भगवान के पास चली गई है। ने जोर का इलेक्ट्रिक शॉक लगा है। अब वो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रजनी चाची नहीं मर सकती, उनमें फ्यूचर ही नहीं है। दादू मत रो, मैं सच कह रही हूँ, रजनी चाची नहीं मर सकती। शान चाचू, शान चाचू, शान चाचू कहाँ है? वो रजनी चाची को फिर से ठीक कर देंगे। उधर जी, तेरे शान चाचू का ही तो पता नहीं लग रहा, हम सब उसको कब से फोन लगा रहे हैं। दादू, मुझे सिंड्रेला चाची को देखना है। अमरीश, बच्ची है, रजनी को आखिरी बार देखने दो उसे। मॉम की आवाज वापस आ गई।
यस। कुकू की तकलीफ देख के हमें इतनी तकलीफ हो गई कि हम अपनी तकलीफ भूल गए। Mom, are you okay? No, I'm okay. मैं कितना डर गई थी। हम भी। आजा पुत्र। रजनी चाची तो एक रोबोट है, वो मर नहीं सकती। इसका मतलब रजनी चाची की बैटरी डाउन हो गई है। रजनी चाची को चार्ज करना होगा। शान चाचू ने मुझे बताया था कि कैसे चार्ज करते हैं। कू, अपनी सिंड्रेला चाची को आखिरी बार देख लिया बेटा? अब रजनी को लेके जाएंगे। रजनी चाची को ले जाने से रोकना होगा। चाची ने बताया था कि रजनी चाची के अंदर एक एक्स्ट्रा चार्जिंग वायर है, उसी चार्जिंग वायर से रजनी चाची को वापस चार्ज करना होगा। रजनी चाची की बैटरी वापस चार्ज हो जाएगी और वो जग जाएगी। ओके सर, गुड नाइट। गुड नाइट मैजिक सर, एक्सेलेंट जॉब। थैंक यू। गुड नाइट देव। देव नहीं, अब देव मेरे कमांड फॉलो करेगा। देव स्टॉप। सर मैंने कहा था आपको और कीजिए वाटर टेस्ट और फायर टेस्ट। देखिए क्या हुआ सर, मैंने बोला था मुझे लेके जाने दीजिए, सिस्टम अपडेट करना है, परफेक्ट नहीं हुआ अभी तक। मैं लेके जाता हूँ सर, परफेक्ट करके लाता हूँ। ओके मैथ्यू, रोबो को ले जाने दो। यस सर, यू आर राइट, ही इज राइट सर। बस कर ओवर एक्टिंग। शान ले जाओ उसे। लेट्स गो देव। खून, ये रोबो से तो खून भी निकल रहा है। एक मिनट। रोबोट से खून नहीं निकल सकता। रोबोट कॉपर और एल्युमिनियम से बना हुआ होता है, उसके अंदर वायर्स होते हैं, खून नहीं। रोबोट को दर्द भी नहीं हो सकता। शॉन, यू लाइंग चीट। नो सर। गॉड्स,
सर सर नो गार्ड सर लिसन टू मी मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ सर लिसन टू मी अरे अरे ऐसा मत कीजिए आप सर एक मिनट सर स्टॉप जानी मुझे मार रहे हैं स्टॉप मिस्टर पटेल शान ने हमें बेवकूफ बनाया है हमें धोखा दिया है देव रोबोट नहीं इंसान है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे धोखा देने की हाँ असली रोबोट कहाँ है बताओ शान आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप मुझे मेरा रोबोट चाहिए चाहे वो कोई भी हो किसी भी हालत में हो कंप्लीट या इनकम्प्लीट आई वॉन्ट माई गॉडडैम रोबोट वरना मेरा इससे भी खतरनाक एक रूप है दिखाऊं ओह गॉड तुझे प्लीज आई ना ये तो काफी मैं लेके आता हूं रोबोट मैं रोबोट लेके आता हूं सर देव देव देन गो गेट द हेल आउट ऑफ हियर जाके मेरा रोबोट ले आओ जिस भी कंडीशन में है उसे यहां ले आओ यस सर यस मैं लेके आता हूं देव देव सर ओह देव यही रहेगा सिर्फ तुम जाओगे एक हाथ से तुम मेरा रोबोट दोगे और एक हाथ से अपने दोस्त देव को ले जाओ और इस अदल बदल के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 3 घंटे का टाइम है समझ गए नाउ गेट आउट अमरीश जी मुझे लगता है अब और इंतजार करना ठीक नहीं है बॉडी काफी टाइम से पड़ी हुई है इसकी बॉडी डीकंपोज होने से पहले हमें ले जाना चाहिए शान का फोन हेलो हेलो हाँ पापा क्या हुआ यार 95 मिस कॉल्स क्या हो गया अरे यार किधर है तू यार मैं कब से तेरे को फोन लगा लगा के परेशान हो गए भाई किधर मरने गया था तू इधर कहाँ हुआ पड़ा भाई तू क्या 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 हुआ क्या है रजनी जो है वो बिजली का झटका लगने से उसकी हाँ हाँ क्या रजनी को क्या हुआ है पापा क्यों रो रहे हो आप रिलैक्स करो बताओ रजनी को क्या हुआ मौत मौत व्हाट पापा देखिए रजनी मर नहीं सकती है ओके फैक्ट्री अभी डाउन होनी थी शट डाउन हो गई इडियट चार्ज भी नहीं किया तूने हाँ पापा 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 काम डाउन मैं बोल रहा हूँ रजनी नहीं मर सकती है मैं वहां आता हूँ मैं जैसे ही वहां आऊंगा वो ठीक हो जाएगी अरे वो चल बची है बुद्धू जी ना तो नब्ज मिल रही है ना कोई दिल की धड़कन चल रही है वो हम सब को छोड़ के जा अरे अरे पापा का आप ये सब मत कहो बाकी लोग स्ट्रेस में आ जाएंगे जस्ट काम डाउन सबको आप कंट्रोल कभी उड़े कम कर वो डरतू ना हेलो ये पास वाला मैदान नहीं है उसके पीछे जो शमशान है ना हम उधर रजनी को लेके जा रहे हेलो अरे फोन को भी अभी ऑफ होना था व्हाट अ बैड बैटरी डे तेरा बैकअप नहीं है किसी ने बनाया नहीं घटिया साले चलो रोबोट का जनाजा निकालेंगे घर वाले द ग्रेट कांत कांत परिवार की जय अभी तो रजनी चाची थोड़ा चार्ज हो गई होगी पर ये उठ क्यों नहीं रही है बोल रहा हूँ बोल दिया है उसको शमशाना में आ जाएगा वो क्या खुद को नहीं संभाला जा रहा वाहेगुरु परेशान को कैसे संभाले अमरीश जी प्लीज अपने आप को संभालिए चलिए आरती लेकर चलते हैं
सतीश मरिया, तुम यहीं पे रहना को के पास। ओके मैडम। राम नाम सर, 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 राम नाम सर।